नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज फिर से हम बात करने वाले हैं काफी सारे ढेर सारी कमाल कमाल की गर्मागर्म न्यूज अपडेट के बारे में। काफी सारी न्यूज अपडेट की जानकारी आज फिर से मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन आपको मिल जाता है और उसके सामने मिलता है बेल आइकन, नोटिफिकेशन के लिए उसे भी दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली जो अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है एप्पल की तरफ से। मतलब एप्पल मोबाइल आपने देखे, एप्पल के चार्जर भी आपने देखे होंगे, एप्पल के वायरलेस चार्जर भी आपने देखे होंगे, जिनके ऊपर एक मोबाइल को यहाँ पर रख दिया जाता है, उसके बाद जो अपने आप यहाँ पर चार्जिंग शुरू हो जाती है। कुछ दिन पहले एक और कंपनी की हमने बात की थी जो कि वायरलेस चार्जिंग यहाँ पर निकाल के लेके आई थी, लेकिन एप्पल तो हमेशा ही जो है लेट पे लेट करता रहता है। उस कंपनी ने क्या किया था कि वायरलेस चार्जिंग के चलते मोबाइल को जो है किसी डिवाइस या फिर किसी डब्बे के ऊपर नहीं रखना पड़ता था। दूर से ही जितनी भी डिवाइस उसके संपर्क में आती हैं उसकी रेंज यहाँ पर 10 फुट की बताई गई थी। अगर 10 फुट के दायरे में जितनी भी मशीनरीज आती हैं जो कि चार्जिंग को सपोर्ट करती हैं वो चार्ज हो जाती हैं। यही फंडा जो है एप्पल ने निकाल दिया है। अब इसकी वायरलेस चार्जिंग वाला जो सिस्टम है वो काफ़ी सारी डिवाइस को एक साथ यहाँ पर सपोर्ट करता है। लगभग 10 फुट तक जो है आराम से सारी की सारी जो डिवाइस हैं वो चार्ज हो जाती हैं। इसके चलते जो है काफ़ी बढ़िया भी हो जाता है। फ्यूचर में हमें हो सकता है और भी लॉन्ग रेंज वाली चार्जिंग यहाँ पर मिल जाए। दोस्तों, यहाँ पर अगले वीडियो निकल के आ रही है नोकिया 6 2018 की तरफ से, जो कि जनवरी फरवरी मार्च में जो है कभी भी यहाँ पर निकल के आ सकता है। तो टेन्ना ने जो है इसे सर्टिफिकेट दे दिया है, जो कि टेन्ना एक चाइनीज मतलब स्मार्टफोन को मतलब सर्टिफिकेट देने वाली एक कंपनी ही आप समझ लीजिए। वहाँ से जो है सर्टिफिकेट इसको मिल गया है और कुछ स्पेसिफिकेशन जो है बाहर निकल के आई है इसमें जो है क्या क्या यहाँ पर होने वाला है। डिस्प्ले की साइज़ का तो हमें नहीं पता, लेकिन बाकी आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। डिस्प्ले जो है यहाँ पर बेजेलेस होने वाली है, वही 18:9 वाला सिस्टम जो है नोकिया ने भी कर दिया। मतलब दोनों तरफ से आपको बेजेल काफ़ी कम मिलने वाली है और इसके अंदर जो है 4 GB की आपको रैम मिल जाती है, 32 GB 64 GB दो अलग अलग वेरियंट में आपको अलग अलग मॉडल यहाँ पर मिल जाएंगे। रियर कैमरा 16 MP का आपको इसमें मिल जाता है और फ्रंट कैमरा जो है यहाँ पर 8 MP का आपको यहाँ पर मिलने वाला है। स्टार्टिंग के अंदर ये 7.1 जो नोगेट वर्जन है एंड्रॉइड का उसके ऊपर ये चलने वाला है। और उससे आगे बात करें यहाँ पर CPU वगैरह की, तो 660 और 630 जो स्नैपड्रैगन है क्वालकॉम की CPU वो इसके अंदर होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो रही हैं। 3000 mAh की आपको इसमें बैटरी मिल जाएगी। यही चीज स्पेसिफिकेशन इसकी काफी मतलब ठीक है निकल के आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है एप्पल की तरफ से। एप्पल वैसे तो किसी भी चीज़ का यहाँ पर खुलासा नहीं करता है, खासकर बैटरी का। बैटरी के बारे में जो है कभी भी एप्पल यहाँ पर हमें नहीं बताता है कि कितनी mAh की बैटरी उसके मोबाइल में यहाँ पर डाली गई है, उसके बारे में कभी बताता है नहीं। लेकिन फिर भी जो है आज एप्पल ने पता नहीं क्यों इस प्रकार से कुछ एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिया है कि आईफोन की जो बैटरी है वो फिर से यहाँ पर निकल के आएंगी, तो काफ़ी लॉन्ग लाइफ यहाँ पर निकल के आने वाली है फ्यूचर के अंदर। लेकिन IPS तो आज भी नहीं बताया है। तो काफ़ी परफॉर्मेंस में जो इश्यू वगैरह थे बैटरी परफॉर्मेंस में, वो सब जो है फिक्स कर दिए जाएंगे। और भी बड़ी या फिर डबल बड़ी बैटरी जो है एप्पल के मोबाइल में आपको देखने को मिलने वाली है फ्यूचर के अंदर। दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप जो है यहाँ पर टेस्टिंग कर रहा है एक प्राइवेट रिप्लाई के बारे में। मतलब अगर ग्रुप के ऊपर आप काफ़ी सारे लोगों से चैट करते हैं तो ग्रुप के अंदर ही आप किसी एक मतलब शख्स को प्राइवेटली रिप्लाई कर सकते हैं। वो फीचर भी जो है अभी टेस्टिंग के ऊपर चल रहा है और जल्दी हमें देखने को मिल सकता है या फिर तोहफा हो सकता है हैप्पी न्यू ईयर के ऊपर ये लेटेस्ट। दोस्तों, यहाँ पर अगले वीडियो निकल के आ रही है नोकिया 3310 4G वाले की। पहले भी हमने काफ़ी बार इसकी बात की थी, लेकिन अभी जो है इसे कंफर्म कर दिया गया है चाइना की वही टेन्ना वाली वेबसाइट के ऊपर है। यहाँ पर 4G कनेक्टिविटी के साथ आपको मिलेगा एंड्रॉयड वर्जन वाला 3310 नोकिया का। मतलब नोकिया 3310 का जो 4G मोबाइल निकल के आ रहा है ये सपोर्ट करेगा एंड्रॉयड वर्जन को। मतलब इसके अंदर एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पर होने की बात हो रही है। अब एंड्रॉयड के साथ ये निकल के आता है तो काफ़ी मज़ेदार एक और डिवाइस यहाँ पर हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर अगली वीडियो निकल के आ रही है कोरिया की तरफ से। कोरिया को नेटवर्क प्रोवाइड करने वाली एक कंपनी है SK टेलीकॉम नाम से है, तो उसने जो है यहाँ पर एक नया फंडा क्रिएट कर दिया। मतलब 5G ऑटोनमस जो ड्राइविंग टेस्ट है उसने कर लिया है और काफ़ी बढ़िया जो है यहाँ पर काम हो गया है। तो यहाँ पर उन्होंने जो है 5G की स्पीड टेस्ट की है, लगभग 20 Gbps के ऊपर जो है 5G की टेस्टिंग की है और उसने ये बताया है कि हमारे नेटवर्क के ऊपर ड्राइविंग वगैरह जो है आराम से यहाँ पर काम कर जाएंगी। फ्यूचर में अगर कोई से जो है कनेक्टिविटी लेकर यहाँ पर काम करने वाला है आराम से जो है किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, उसके ऊपर ये टेस्टिंग हुई है। कुछ दिन बाद जो इंडिया के अंदर भी टेस्टिंग होने वाली है, जियो भी करेगा, एयरटेल भी करने वाला है, काफ़ी अलग अलग कंपनीज जो है इसके ऊपर टेस्टिंग करेंगी ताकि आने वाले जो ऑटोनोमस कार्स हैं जो कि चलेंगी नेटवर्क के आधार पर उन्हें मैप वगैरह की यहाँ पर ज़रूरत होगी। तो मैप वगैरह तो ऑनलाइन ही यहाँ पर निकल के आने वाले हैं, कहाँ पर वो चल रही है, किस हिसाब से चल रही है,
उस प्रकार से इनकी टेस्टिंग यहाँ पर चलती रहेगी। दोस्तों अगली अपडेट निकल के आ रही है यहाँ पर फिर से एप्पल की तरफ से या फिर कहें कि सैमसंग एलजी की तरफ से। सैमसंग और एलजी ने जो है एक मीटिंग के अंदर यहाँ पर साफ साफ मतलब बता दिया है कि एप्पल की तरह हम किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ पर निकालने में देर नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी से जो है 3-5 महीने बाद हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर आता रहेगा। एप्पल जो है 2-3 साल बाद एक मोबाइल जो है नई सीरीज़ का यहाँ पर निकाल के देता है, लेकिन सैमसंग और एलजी के मोबाइल जो है लगातार आते रहेंगे, ज़्यादा वेट यहाँ पर नहीं कराना होगा। आप दोनों ने यहाँ पर खुलासा कर दिया है, तो जल्दी जो है जनवरी फरवरी के अंदर सैमसंग को गैलेक्सी S9, S9 Plus या फिर नोट 9 का यहाँ पर खुलासा करना होगा या फिर निकाल के देना होगा। लेकिन काफ़ी सारी यहाँ पर रूमर्स निकल के आ रहे हैं या फिर पता चल रहा है या फिर इन्होंने अनाउंस किया होगा कि A8 और A8 Plus से और S9, S9 Plus जो सैमसंग के मोबाइल हैं या फिर नोट 9 मॉडल है वो 2018 में इवेंट होने वाला उसके अंदर लॉन्च कर दिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है इसरो की तरफ से। भारतीय जो अनुसंधान केंद्र है जो कि बेंगलुरु में स्थित है वहाँ से ये डिटेल जो है कुछ निकल के आई है। मतलब जनवरी 10 को ये 31 सैटेलाइट जो है आपसे लॉन्च करने वाले हैं और ज़्यादा बेहतर कम्युनिकेशन के ऊपर जो है सैटेलाइट यहाँ पर सपोर्ट करने वाली हैं और ज़्यादा कम्युनिकेशन वगैरह कुछ यहाँ पर मिलने वाली हैं। हो सकता है इनमें से कुछ सैटेलाइट जो हैं विदेशी हों इसके साथ यहाँ पर भेज रहे हैं। काफ़ी बढ़िया है अगर ऐसा कुछ निकल के यहाँ पर आता है तो। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है रशिया की तरफ से। रशिया की एक सैटेलाइट जो है गलत प्रोग्रामिंग की वजह से मतलब अब आउट ऑफ सर्विस हो गई है, ऊपर ही मतलब अंतरिक्ष के अंदर ही वो गायब हो चुकी है, अब वो मिलने वाली नहीं है। काफ़ी ज़्यादा जो उसके ऊपर काम किया जा रहा है, अगर किसी तरह से कोई सिग्नल अगर उसका पकड़ पाए तो शायद उसे कंट्रोल कर लें, अभी तो वो कंट्रोल से यहाँ पर बाहर हो चुकी है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स भी जो हैं काफ़ी सारे जो अनुसंधान केंद्र हैं उनको यहाँ पर सामने आती है। काफ़ी बार अगर थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग में इधर उधर दिक्कत हो जाती है तो इस प्रकार से सैटेलाइट जो हैं हवा में ही घूमती चली जाएंगी, उनका जो है कोई भी कंट्रोल किसी के पास नहीं होगा तो कहीं पर भी वो रुकने वाले नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों काफ़ी कुछ जानकारी इस वीडियो में भी आपको मिली होंगी, काफ़ी पसंद आया होगा आपको ये वीडियो भी। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो नीचे मिल जाता है इसी वीडियो को यहाँ पर एक लाइक जरूर कर दें। कोई सवाल है कोई सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।